हेलो दोस्तों, संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। आप सबको दिल से वेलकम हमारे डिजिटल वेलनेस सेशन में। संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पेशेंट्स के लिए देश भर में बहुत से प्रोग्राम एकदम निःशुल्क चलाती है। इन प्रोग्राम की जानकारी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर कुछ इस तरीके से है, 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। एक बार फिर रिपीट करती हूँ, 8691000800। दूसरा नंबर है 8691000801। सेशन को शुरू करने से पहले आपको तीन चीजें कहना चाहूंगी। पहली, ये सेशन के दौरान प्लीज अपना माइक म्यूट पर रखें। दूसरी, प्लीज सेशन के दौरान एक ही जगह पर बैठे रहें। तीसरी, सेशन के आखिरी 15 मिनट आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जिनके भी सवाल का जवाब हम नहीं दे सके वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे या हमारे केयर गिवर को मैसेज कॉल कर सकते हैं 4 से 5 बजे के बीच में। आज हमारे साथ सबसे पहले हंसा बहन जी जुड़ेंगी। ये एक कैंसर सर्वाइवर हैं और हम सबके लिए एक मिसाल। वेलकम मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। फिर हमारे साथ डॉक्टर शांभवी अलवे जी जुड़ेंगी। मैम एक साइकोथेरेपिस्ट हैं एंड एबीटी एक्सपर्ट। वेलकम मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आज के हमारे फैकल्टी के लिए बस इतना कहना चाहूंगी, मुस्कान कितनी कीमती है सिखाती है ये, परेशानियों से जंग लड़ना सिखाती है ये। थैंक यू। इससे पहले कि हम आज का सेशन शुरू करें, मैं रूबी मैम से रिक्वेस्ट करूंगी, सॉरी मैं प्रियाशा मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज हमें ज्वाइन करें। प्रियाशा मैम। थैंक यू कौसिया, एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। हम सबको रूबी मैम की इतनी आदत सी हो गई है कि हमारे मुंह पे सबसे पहले मैम का ही नाम रहता है। बट सिंस उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो भी यहाँ पे सिखाया जा रहा है आप उनका पूरे तहे दिल से फॉलो कर रहे हैं, उसे आप अपने खुद का भी ध्यान रख रहे हैं। एंड जैसा कि गौसियास ने हमें बताया, हमारे साथ आज हंसा है जो एक सर्वाइवर रह चुके हैं एंड हमारे वेलनेस कोर्स भी उन्होंने किया है, तो हम उनसे सुनेंगे कि उनकी एक्सपीरियंस कैसे रही है, उनकी जर्नी क्या रही है। गौसिया, कैन वी हैव हंसा बेन प्लीज? हंसा जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। हाँ जी, हेलो, सुन पा रहे हैं सब लोग? जी हंसा जी, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। वेरी नाइस। सबसे पहले तो आपकी स्माइल बहुत ही प्यारी है। थैंक यू हंसा जी। आप थोड़ा सा अपने बारे में प्लीज हमें बताएं। हाँ, मैं पहले तो बहुत खुश हो गई, उसके वजह आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक मुझे यू। याद किया। हाँ, तो आप थोड़े अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइए प्लीज। हाँ ठीक है। मेरा नाम हंसा है और मैं जाइडस हॉस्पिटल आनंद में नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन तरीके काम कर रही हूँ। अभी भी जॉब मेरी कंटिन्यू है। मेरे 2 साल पहले मुझे कैंसर हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर, तो सर्जरी भी किया है मेरे, कीमोथेरापी मैंने लिए, रेडिएशन थेरापी भी लिया है और आज मैं बहुत स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। आप सबको मिलके भी खुश हूँ। वेरी नाइस। एंड और आप जी बताए, आपको क्या पूछना है? मैं ये बोल रही थी कि आप हाँ, संजीवनी के टच में कैसे आए, आपको संजीवनी के बारे में कैसे पता चला? वही मैं बात कर रही थी अभी। हाँ जी। हाँ, तो मैं अस्पताल में काम कर रही थी, तो मुझे 3 साल पहले हमें ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू करना था जाइडस में, तो मेरे सब स्टाफ को लेके मैं वहाँ कैंसर की केयर कैसे करनी है वो ट्रेनिंग के लिए गई थी। तब मैं अस्पताल के कांटेक्ट में आई थी, वहां से मुझे इंदिरा सिस्टर ने बताया था कि संजीवनी करके एक संस्था है जो आपको हेल्प करेगी, तब मुझे संजीवनी के बारे में पता चला था। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही हाँ, है सब सुन रहे हैं? हाँ, तो जी। मैंने जी तब
तब मैं संजीवनी के बारे में मुझे पता चला था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे लिए भी संजीवनी काम में आएगी और जरूरत पड़ेगी मुझे भी। तो मेरी 2 साल पहले ये सर्जरी हुई और ट्रीटमेंट हो गई सब कुछ, फिर भी मुझे पेन और सब छोटी मोटी कंप्लेन रहती थी। तो संजीवनी के बारे में पता चला तो मैंने जॉब से छुट्टी लेकर अहमदाबाद जाके ट्रेनिंग अटेंड किया। मैं वहीं रह रही थी और ट्रेनिंग अटेंड किया। ट्रेनिंग से मुझे बहुत सारा लाभ हुआ। वहां पे मैंने योगा सीखा, एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग ली, फिर डिप्रेशन फ्री थेरेपी ट्रेनिंग ली और डायटिशियन का, वो सब मैं अभी फॉलो कर रही हूँ और उससे मुझे बहुत अच्छा है। और सारे स्टाफ ने भी मुझे मेरा बहुत ध्यान रखा था, इसलिए मैं सबको वही करना चाहती हूँ कि आप भी सब सेशन अटेंड करें और ट्रेनिंग अटेंड करें, उससे बहुत लाभ होता है जैसे मैंने किया है। और मैंने सोच लिया था कि मुझे ये बीमारी से डरना नहीं है, लड़ना है। और मैंने डिसीजन ले लिया था कि मुझे जीना है तो कैसे भी करके, तो मैं वो कर पाई और मैं आज स्वस्थ हूँ। सबको मैं वही बोलना चाहूंगी कि हमारा डर या हमारी कोई भी बीमारी हो वो शरीर से ज्यादा मन पे ज्यादा होती है, तो उसको बाहर निकालना है। तो वो कैसे करना है वो सब ध्यान में रखें, क्योंकि मैंने जो किया है मैं वही बोल रही हूँ। मैंने मुझे भी जब भी दर्द होता है, कोई भी परेशानी होती, किसी से भी तकलीफ होती थी, तो मैं एक पेन पेपर लेके बैठ जाती थी और उसमें सब कुछ लिख देती थी, तो वो पूरा आंखों से बाहर आके निकल जाता था, तो रिलैक्स हो जाती थी। वो मैंने खुद का एक्सपीरियंस किया है मैंने। और साथ में प्रार्थना भी करती थी, मोटिवेशनल वीडियो देखती थी जो भी मुझे अच्छा लगता था, जैसे ड्राइंग बनाना, मैं ड्राइंग भी बनाती हूँ अच्छा से। फिर वीडियो देखना, मूवी देखना, सॉन्ग सुनना, जो भी हमको अच्छा लगता है वो क्रिया करनी है जिससे हमारा माइंड डाइवर्ट रहे। और दूसरा प्रार्थना भी करना है और पॉजिटिव सोचना है। तो मैं हर रोज भगवान के सामने बैठ के बोलती थी कि आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी एंड आई एम पॉजिटिव थिंकिंग। सो इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो आज भी मैं कंटिन्यू करती हूँ। उससे कभी भी मुझे भी फिर भी परेशानी लगती है तो कभी भी संजीवनी के ये सारे सेशन अटेंड कर लेती हूँ तो फिर से मेरे वो एनर्जी वापस आ जाती है। बस वैसे ही करके करके मैंने ये सब किया है और अभी भी वो फॉलो कर रही हूँ, जिससे बहुत अच्छा है। तो सबको मैं वही बोलूंगी कि आप सब भी ये सब सेशन अटेंड करें और ट्रेनिंग लें, जिससे आपका भी अच्छा हो और आप सब लोग पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव बोले। हमें जो भी चाहिए वो बोलना होता है, वो लिखना होता है, वो उसको निकालना होता है, तो अभी हम वो साबित कर पाते हैं। तो आप सब भी वो फॉलो करें और सब लोग जल्दी से अच्छे हो जाए, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है। और आप सब खुश रहे और रूबी मैडम का भी स्वास्थ्य जल्दी से अच्छा हो जाए, उसके लिए भी प्रार्थना। और संजीवनी के सारे स्टाफ का मेरा दिल से धन्यवाद। इला मैडम, कृष्णा बहन, श्वेता बहन, वनिता बहन, सबको मेरा दिल से धन्यवाद। और बोलिए। थैंक यू सो मच हंसा जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि आपकी जर्नी क्या थी और फिर आप संजीवनी के वेलनेस सेंटर में गए जो अहमदाबाद में है, एंड आपने किस तरह सब सारे थेरेपी सीखे, सब फैकल्टी से इंटरेक्ट किया और आप किस तरह उसे अभी तक फॉलो कर रहे हैं। सो इस बात में मैं यही कहना चाहूंगी कि हम जो सीख रहे हैं हमारा बहुत जरूरी है कि हम उसे फॉलो करें। अल्टीमेटली हमारी हेल्थ तो हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बस यही कहना चाहूंगी कि आप लोग यहाँ पे जितने भी थेरेपी सिखाए जा रहे हैं, जितने भी फैकल्टी आ रहे हैं, आप उनके बात अच्छे से समझिए, उनसे सीखिए और उसे अपने रोज की जिंदगी में फॉलो करें। फॉलो करना बहुत जरूरी है। वो एक बार वो डिसिप्लिन सेट हो जाती है, एक बार फॉलो करना सेट हो जाता है तो फिर अपनी जिंदगी फिर से ट्रैक पे आ जाती है। थैंक यू हंसा जी, आप हमारे साथ जुड़े एंड हम कोशिश करेंगे कि आपको कंटिन्यूस हमारे साथ जोड़े रखें। एंड आपने अहमदाबाद की बात करी तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे अहमदाबाद टीम की कृष्णा जी का बर्थडे है आज। सो कृष्णा, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड आप लोग अभी हमारे सेशन, शांभवी मैम ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप शांभवी मैम की सेशन अटेंड करें और खुश रहें। गौसिया, कैन वी टेक थैंक यू सो मच। हेलो कृष्णा बेन को भी मेरा मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। कृष्णा जी आप हैं? हाँ जी, हाँ जी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू हंसा बेन, थैंक यू।
much, Ansa Ben. Thank you all participate. Thank you, my Sanjeevani family. Thank you so much. Wish you many, many. Thank you, Priyasha ma'am. थैंक यू सो मच कृष्णा जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. ऊपर वाले से यही दुआ है कि आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच कृष्णा जी. थैंक यू सो मच. शांभवी मैम प्लीज अपने तरफ से अपना माइक अनम्यूट कर लें. हेलो जी. हेलो. वेलकम मैम. Thank you. Thank you. Just hi, Shambhavi ma'am. How are you? Hello, I am good, Prisha. So good to see you. Hello, ma'am. First time. I thought, आज भाई, I'm on this ये इस platform पे पहली बार मुझे आपसे interact करने का मौका मिल रहा है. So I shouldn't leave this chance at all. Ma'am, thank you so much for your lovely sessions, and I am sure कि everybody is gaining a lot from it. Thank you so much, Priyasha, and of course, it's always good to see you again. Chala, I won't disturb you, ma'am. No problem. Great. So we are good to begin with the session. Aji, ma'am. Okay. पहले तो good morning सबको. उम्मीद करती हूँ सारे safe हैं अपने अपने घर में, सारे नियमों का अच्छे से पालन कर रहे हैं, सुरक्षित हैं. अपने फिजिकल हेल्थ का, सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं और बस उसी तरीके से अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी, मेंटल हेल्थ का भी उसी तरीके से ध्यान रख रहे हैं. ऐसे में उम्मीद करती हूँ कि आपने जितना भी मैंने पिछले सेशंस में हमने बात की थी कि कैसे हम हमारे मानसिक स्वास्थ्य को, मेंटल हेल्थ को सही रखें, उसको कैसे हम प्रोटेक्ट करें, उन चीजों को आपने ध्यान से सुना होगा और उसका जितना हो सके उतना पालन भी कर रहे हो. बस उसी नोट पे हम आज का सेशन शुरू करेंगे. हाँ जी, और एक और चीज मैं भूल गई. हैप्पी बर्थडे कृष्णा जी बिफोर आई बिगिन. ओके, कमिंग बैक टू द सेशन. तो आज का सेशन हम लास्ट टाइम जहाँ पे हमने खत्म किया था, मैं वहीं से थोड़ा सा पहले एक छोटा सा रिविजन करवाती हूँ. हमने क्या क्या सीखा था लास्ट सेशन में और फिर वहीं से हम आगे बढ़ेंगे आज. तो जैसे कि मैंने अभी तक सारे अपने पिछले सेशंस में आपको एक बात बताई है और हमेशा उस बात पे काफी जोर दिया है, वो है कि आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है, आपका जो मेंटल हेल्थ है, वो आपके फिजिकल हेल्थ जितना, फिजिकल स्वास्थ्य जितना ही इम्पोर्टेंट है. और अगर आप अपने मानसिक सेहत का ध्यान नहीं रखे तो वो धीरे धीरे आपके फिजिकल हेल्थ पर भी अपना इम्पैक्ट करना छोड़ना शुरू कर देता है. जिस तरीके से अगर हमारी सेहत ठीक नहीं हो तो हमारा मूड भी थोड़ा सा अपसेट रहता है, बस उसी तरीके से अगर हमारे विचार सही नहीं हो रहे हो, हमारे जो इमोशंस है, फीलिंग है, भावनाएं, ये अगर हम सकारात्मक ना हो तो हमारे फिजिकल हेल्थ पर भी धीरे धीरे इसका परिणाम पड़ता है. तो जब हम कहते हैं कि हमें हमारे विचार, हमारे इमोशंस, इनका ख्याल रखना है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, तो पहले बात करते हैं विचारों की. तो विचार जो है, हमें एक दिन में नॉर्मली हमारे जो विचारों की अगर हम गिनती करें ना, तो हमें 70,000 से लेके 80,000 इतने विचार रोज आते हैं. और अभी अगर हम सोचे कि इनमें से कितने विचार ऐसे होते हैं जो कि बहुत पॉजिटिव हो या कितने हो जितने नेगेटिव हो, तो ये आप अपने लिए सोच सकते हो. पर अगर हम इस पे थोड़ा सा गौर करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि हम जनरली काफी पिछली बातों में ही उलझे होते हैं, काफी पिछली जो घटनाएं हुई हमारे साथ जो कि बहुत अच्छी नहीं होती है, हम उनमें दोबारा दोबारा जाके उसे दोबारा दोबारा सोचते रहते हैं. और जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि कोई भी घटना जब हमारे साथ होती है तो एक प्रकार का मेमोरी का छाप पड़ जाता है हमारे दिमाग में, जिससे एक नया रास्ता बनता है जिसे हम कहते हैं न्यूरो पाथवे. और जब उसी प्रकार के हम विचार लाते हैं तो वहां से न्यूरॉन्स जाते हैं उस रास्ते से. जब न्यूरॉन्स वहां से जाते हैं तो हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं एमिग्डाला. एमिग्डाला हमारे फीलिंग्स को कंट्रोल करता है. तो जब उस रास्ते से न्यूरॉन्स जाते हैं तो हमारा एमिग्डाला एक्टिवेट होता है और केमिकल्स छोड़ता है जिससे हमें फीलिंग्स एक्सपीरियंस होते हैं.
अब समझ लीजिए कोई घटना आपके साथ घट चुकी है, आप उसको दोबारा दोबारा जब सोचते हो तो आपके ब्रेन के लिए वो इंसिडेंट जो है वो पास्ट में नहीं चल रहा है, आपके ब्रेन के लिए वो इंसिडेंट अभी चल रहा है, इस मोमेंट में चल रहा होता है। तो जब जब आप सोचते हो उसके लिए वो अभी हो रहा है, इसीलिए सारे न्यूरॉन्स बस उसी के तरह चलेंगे जैसे कि पहले चलते थे जब हुई थी वो घटना, और आपका अमिगडाला भी आपको वो सारे इमोशंस उसी तीव्रता से अनुभव करवाएंगे। यानी कि अगर मैंने 10 साल पुरानी बात जब मुझे बहुत गुस्सा आया था उसे अगर मैं आज याद करूं, वो विचारों को सोचूं, तो मुझे इस क्षण में, इस मोमेंट में उतना ही गुस्सा आएगा एज इफ वो मेरे साथ अभी हो रहा है। क्या वो हो रहा है? नहीं हो रहा है, पर वो क्यों हम अनुभव कर रहे हैं? क्योंकि वो सेम जो न्यूरो पाथवे है जब वो तब जो काम में आया था, एक्टिव हुआ था, वो सेम पाथवे अभी एक्टिव हो जाता है। तो इस प्रकार से हम जब विचार करते हैं तो हमें वो सारे एक्सपीरियंसेस, वो सारे अनुभव, फीलिंग्स की बात कर रही हूँ मैं, वो हम सारा दोबारा दोबारा अनुभव करते रहते हैं। दैट इज वन। अब जब हम एक प्रकार से सोचते हैं तो धीरे धीरे वो जो सोच है ना, वो हमारी एक सोचने की विचारधारा बन जाती है, जिसे हम कहते हैं बिलीफ सिस्टम। उदाहरण के तौर पर अगर समझिए कि मैंने अपने दोस्त के साथ एक बिजनेस करने की कोशिश की और मैंने बहुत विश्वास किया, उसे अपने पैसे दिए, चलो तुम पैसे लगाओ, और धीरे धीरे मैंने ये समझा कि अरे इस दोस्त ने तो मुझे धोखा दे दिया, मेरे पैसे भी डुबा दिए या पैसे लेके भाग गया। अब समझिए इस इंसिडेंट को मैंने अगर इसमें जैसे ना इस चीज को मैंने छोड़ने की कोशिश ही नहीं की अपने तरफ से, इसको मैंने बहुत पकड़ के रखा कि नहीं ये तो गलत हो गया मेरे साथ, किसी के पास विश्वास ही नहीं करना चाहिए, दोस्त के ऊपर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो जब बिजनेस की बात है दोस्त के साथ तो कभी ना करूं मैं। अगर ये मेरे जो विचार है इसको मैं दोबारा दोबारा इसी प्रकार से सोचती रहूं तो धीरे धीरे ये मेरी विचारधारा बननी शुरू हो जाती है, यानी कि मेरा बिलीफ सिस्टम बनने लगता है। और जब ये मेरा बिलीफ सिस्टम बन जाता है तो ये एक प्रकार के जैसे हम कहते हैं ना चश्मे है ये, तो अगर मैं नीले रंग का चश्मा पहन के दुनिया देखूं तो मुझे कैसे नजर आएगा, सब कुछ नीला नजर आएगा। तो हमारा जो ये बिलीफ सिस्टम है, विचारधारा जो है, वो एक प्रकार का चश्मा है, तो विचारों का चश्मा है जिसको हम पहनते हैं जब, तो उसी विचारधारा में से हम चीजों को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं। तो जनरली ये जो बिलीफ सिस्टम होती है, ये जनरली नहीं मैं कहूंगी, मैं हमेशा कहूंगी, अगर ये बिलीफ सिस्टम जो है हमारे बिहेवियर्स को, हमारे जो हम एक्शन लेते हैं, कैसे बिहेव करते हैं सिचुएशन को, उस पे ये काफी हद तक अपना परिणाम दिखाती है, अपना इफेक्ट दिखाती है। तो जब हम कहते हैं कि विचार और विचारों से जो उत्पन्न होता है वो है फीलिंग्स या इमोशंस, तो फीलिंग्स या इमोशंस हर प्रकार के होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं जैसे मुझे अच्छा फील होता है, खुशी होती है, और दूसरे भी होते हैं जहाँ पे हमें बुरा लगता है, गुस्सा आता है, तो दोनों प्रकार के होते हैं, इसमें कुछ गलत या बुरा नहीं है, हम सोशल एनिमल्स हैं, हमें इमोशंस आना जरूरी है। बट प्रॉब्लम कब आती है, जब ये जो इमोशंस है जो कि नकारात्मक है या जिससे हमें तकलीफ होती है वो उस मोमेंट में खत्म नहीं होते, उस क्षण में हम छोड़ते नहीं है, उसको लेके आगे आगे बढ़ते जाते, तब हमारे लिए थोड़ी सी इश्यू हो जाती है। तो जब हम बात करते हैं कुछ ऐसे ऐसे भावनाओं की, फीलिंग्स या इमोशंस की, जो कि हमें बहुत खुशी नहीं देती या कोई जो हमें कंफर्ट नहीं देती, तो इन सब में एक जो नाम आता है, एक इमोशन का ऐसा नाम आता है, वो है ग्रीफ। अब ग्रीफ क्या है, अगर इसे एकदम सरल आसान शब्दों में आपको मैं समझाऊं ग्रीफ क्या है, तो ग्रीफ सैडनेस का एक बड़ा भाई है। सैडनेस यानी कि हमें उदासी लगती है, कुछ हमारे मन के हिसाब से नहीं हुआ तो हमें उदास फील होता है, तो बस इस उदासी का ही एक जो बड़ा वर्जन है या समझिए तीव्रता जिसकी ज्यादा है, और इसका मैं कहती हूँ कि जनरली सैडनेस का एक बड़ा भाई टाइप है, तो वो होता है ग्रीफ। अब ग्रीफ हम कब अनुभव करते हैं, ग्रीफ हम जनरली तब अनुभव करते हैं जब हमारे जीवन में कुछ चीज हमसे छूट गई हो, यानी कि लॉस, किसी प्रकार का लॉस हुआ हो। तो लॉस कैसे हो सकता है, समझिए मेरी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, जैसे बाढ़ आती है तो मेरी प्रॉपर्टी चली गई हो, या किसी ने मुझसे धोखे से अपनी मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर ली हो, घर में चोरी हो जाना तो मेरी चीजें चुरा ली गई,
या किसी हमारे क्लोज कोई हो, हमारे फैमिली मेंबर हो, रिश्तेदार हो, उनकी डेथ हो जाना, तो वो हमसे दूर चले गए, तो लॉस. तो लॉस काफी प्रकार के हो सकते हैं, और जब लॉस एक्सपीरियंस होता है तब ग्रीफ जनरली एक इमोशनल एक्सपीरियंस हम सबके लिए होता है. अब हम जब ग्रीफ की बात करते हैं, ग्रीफ का जो रेफरेंस है वो कैंसर में क्यों महत्वपूर्ण है, पहले मैं वो बताती हूँ आपको. क्योंकि हम जनरली जब मैं कैंसर पेशेंट से बात करती हूँ, ग्रीफ ये एक बहुत ही कॉमनली एक्सपीरियंस इमोशन होता है. अगर हम इसको सेम लॉस वाले कॉन्सेप्ट से समझे, तो जब कैंसर डायग्नोस होता है किसी के लिए, उन सबके लिए किसी ना किसी प्रकार का लॉस अनुभव करना स्वाभाविक नहीं, पर उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो अक्सर ज्यादा होती है. अब कैंसर की अगर हम बात करें और लॉस की बात करें, तो किस प्रकार के लॉस होते हैं? दो प्रकार के लॉस है. एक है टेंजिबल लॉस, यानी कि जो हम देख सके, तो उसमें क्या क्या आता है, बाल झड़ जाना अगर हो, सेहत कम हो जाना, थोड़े से वीकनेस आ रहे हैं, वजन कम हो रहा है, कभी कभी कोई कोई हिस्सा जो होता है बॉडी का वो काट दिया जाता है, तो लिम्ब कट हो जाना. सो ये कुछ लॉस है जो हम देख पाते हैं, नजर आता है हमारे. और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं इंटेंजिबल लॉस, यानी कि वो लॉस जो हमें नजर ना आए, बट उसका भी इम्पैक्ट, उसका भी जो अनुभव होगा वो उतना ही दर्दनाक हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे जाना, मेरा सेल्फ एस्टीम कम हो जाना, तो ये इनटेंजिबल लॉसेस है, यानी कि हम नजर नहीं, उसको हम देख नहीं पाते, पर वो एक लॉस है. तो जब हम ग्रीफ की बात करते हैं, लॉस की बात करते हैं, स्पेशली अगर हम कैंसर में बात करें, तो ये कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे ग्रीफ आ सकता है. अब जब हम ग्रीफ की बात करते हैं, तो ग्रीफ स्टेजेस में जाता है, उसके हर एक स्टेप है जाने के लिए आगे. पहला स्टेप क्या है इसमें, जिसे हम कहते हैं डिनायल. डिनायल क्या होता है कि जैसे ही समझो मुझे डायग्नोसिस मिला है, लिख के आया है मुझे कि अच्छा आपका डायग्नोसिस कैंसर है, तो पहला हमारा रिएक्शन जनरली ये होता है कि ये तो मुझे नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है, आपके रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम होगी. तो ये डिनायल होता है, यानी कि मुझे स्वीकारना नहीं है इसे कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है. तो हम जनरली इस डिनायल मोड से जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि नहीं मैं और दो तीन डॉक्टरों का कुछ ओपिनियन ले लूंगा, दो तीन अलग जगहों से टेस्ट करना है, मुझे इस स्पेसिफिक जगह से नहीं करना, ये गलत हो सकता है, मैंने हमेशा अच्छे से खाना पीना किया है, अच्छे से वर्कआउट किया है, मेरे फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये मुझे कैसे हुआ, तो ये गलत होगा रिपोर्ट. तो पहला जो स्टेप आता है ग्रीफ में वो है डिनायल. डिनायल के बाद जो फॉलो करता है वो है एंगर, यानी कि गुस्सा, कि डिनायल तो हो गया, चलो मान लिया कि मैंने अलग अलग जगहों से टेस्ट करवाया और फिर भी ये सेम रिपोर्ट आ रही है, यानी कि ये है कैंसर ही डायग्नोसिस है हुआ है मेरा. तो दूसरा जो आता है वो है गुस्सा, बहुत गुस्सा आता है, फिर वहां पे सवाल आ जाते हैं मुझे क्यों हुआ है, मैंने तो इतना अच्छे से सब कुछ किया है, मैंने हमेशा सही से अपनी जिंदगी जी है, तो मैंने तो कोई बुरा ऐसा किसी के साथ किया नहीं, ये मेरे साथ क्यों हुआ. तो इससे गुस्सा आना काफी स्वाभाविक है, और गुस्सा अपने तरफ होता है, कभी कभी दूसरों के तरफ होता है, या भगवान के तरफ होता है. तो एंगर आना ये एक सेकेंड स्टेज है ग्रीफ में. तीसरा होता है बार्गेनिंग, यानी कि तोल मोल जिसे हम कहते हैं ना, जैसे हम कुछ सब्जी वब्जी खरीदने जाए तो कैसे हम भाव करते हैं सब चीजों का, अरे उसने जो बोला है वो अच्छा इस कम में दे दो. तो बार्गेनिंग जनरली किसके साथ होता है, ये भी एक सुपीरियर पावर के साथ, या समझ लो भगवान के साथ जनरली बार्गेनिंग होता है कि अच्छा मैं इतने दिन उपवास कर लूंगी, या मैं ये चढ़ावा दे दूंगी, तो प्लीज मेरा ये जो प्रॉब्लम है इसको आप हटा दो. तो ये क्या होता है, बार्गेनिंग करना, बार्गेन करते हैं हम. बार्गेन के बाद जो आता है वो है डिप्रेशन, यानी कि सब कुछ करके हो गया, मैंने भगवान को भी बात करने की कोशिश की पर अभी भी कुछ नहीं हो रहा है. फिर क्या होता है, सडन जो होता है कि अब इसी के साथ मेरी आगे ट्रीटमेंट चलनी है, ये मुझे इस एक्सपीरियंस के थ्रू जाना ही पड़ेगा. तो काफी टाइम उससे जो आता है वो है डिप्रेशन. डिप्रेशन जनरली ये एक
अगर हम इसको साइकोलॉजी के टर्म से देखें तो एक सीरियस टर्म है, हालांकि हम इसको रोज के जीवन में बहुत ऐसे यूज कर लेते हैं, मुझे डिप्रेशन आया है, बट नहीं, डिप्रेशन ये एक सीरियस बीमारी है और ये काफी समय तक चलती है अगर इसका हमने इलाज नहीं किया। तो हम जब ग्रीफ के स्टेजेस की बात करते हैं, डिप्रेशन ये चौथे स्टेज पर आता है, उसके बाद जो आता है पांचवे नंबर पर वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकार लेना कि अब ये सारे स्टेजेस में से मैं गई हूँ कि जहाँ पे डिनायल है, एंगर है, बार्गेनिंग हो गया, डिप्रेशन हो गया, और अभी जाके मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि ठीक है ये इश्यू है पर अभी मैं इस पे क्या काम कर सकती हूँ। तो ग्रीफ की हम जब बात करें तो ग्रीफ तीन स्टेजेस में से जाता है। हम ग्रीफ की बात क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इमोशन है जिसका इफेक्ट जो है ये काफी लंबे समय तक चल सकता है, यानी कि मिनिमम 4 से 6 हफ्तों से लेके मैक्सिमम ये 4-5 साल तक भी जा सकता है। और जब हम कहते हैं कि इसका इफेक्ट इतना लंबा चल रहा है तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो इंसान ग्रीफ अनुभव कर रहा है वो जनरली ये जो पहले 4 स्टेजेस है इसी में ऊपर नीचे कर रहा है, यानी कि डिनायल हो रहा है, एंगर हो रहा है, बागेन डिप्रेशन यही हो रहा है, पर एक्सेप्टेंस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, यानी कि मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे ये हुआ है, या स्वीकार कर नहीं पा रही हूँ कि मैं मुझे ये हुआ है, ये डायग्नोसिस मेरा है, तो वो इसीलिए ऊपर नीचे होता रहता है। और ये जब ऊपर नीचे हो रहा है मैं कहती हूँ, तो जनरली ये जो एंगर वाला एक जो स्टेज है ना, लेवल 2 जो है ग्रीफ का, स्टेज 2 जो है वो सबसे ज्यादा उभर के आता है और बहुत स्ट्रॉन्गली आता है। और हम जब कहते हैं कि एंगर अनुभव होता है, तो मैंने जैसे पहले बताया एंगर अपने तरफ हो सकता है, तो समझ लीजिए मेरी अगर कुछ खाने पीने की आदतें ऐसी थी कि डॉक्टर ने कहा कि हाँ शायद ना आप ये करते थे, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, हाँ आप सिगरेट पीते थे इसीलिए आपको ये हुआ, अगर डॉक्टर ने मुझे ये कहा तो गुस्सा मेरा अपने तरफ हो सकता है, या समझ लीजिए मेरा गुस्सा किसी और के तरफ हो सकता है, या गुस्सा हो सकता है भगवान की तरफ। तो ये एंगर जो होता है जनरली यही तीन लोगों के बीच में ही कहीं ना कहीं यहाँ वहां होगा, अपने तरफ, दूसरे के तरफ या भगवान की तरफ। अब जो ये एंगर इन तीन हम कहते हैं अगर एंटिटीज के पास यहाँ वहां है, तो उसका मतलब क्या हुआ, हम एक लेवल पर कि एक ऊर्जा की जो कॉर्ड होती है, एनर्जी लेवल पर हम अपना कॉर्ड इनके साथ जोड़ के रखते हैं, इन लोगों के साथ उसे कट नहीं करते हैं। तो जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं उस इंसान को याद कर रही हूँ, मैं उसको उसी गुस्से वाले विचारों से याद कर रही हूँ, तो एक प्रकार से मेरा जो कनेक्शन है उस इंसान के साथ उसको मैंने काटा नहीं है अभी तक, तो जिससे हम कहते हैं एनर्जी कॉर्ड जो अभी भी वैसा ही है। और इसीलिए मुझे जब जब उस इंसान के बारे में कुछ सुनने को भी आता है तो मेरा सारा वो जो अनुभव है वो मैं दोबारा दोबारा सोचती हूँ और उसको ऐसे जीतती हूँ कि मेरे साथ वो शायद अभी हो रहा है। ये हम सबके साथ होता है अक्सर। इसको अगर समझना हो तो आपके घर में, सबके घर में पंखे चलते हैं, स्विच बोर्ड चलता है, उस उदाहरण के थ्रू हम समझते हैं। तो जो आपका स्विच बोर्ड है उसमें से वायर जाती है, उसमें से एनर्जी जाती है, जब आप स्विच ऑन करते हो तो वो एनर्जी ट्रैवल करके आपका पंखा घूमता है। बस उसी तरीके से आपका ये ओवरऑल सिस्टम है, जब तक आप वो तार नहीं कट करोगे वो एनर्जी जाएगी ना, स्विच ऑन करोगे तो एनर्जी जाएगी। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, वो एनर्जी के कट करने के लिए वायर को कट करना। तो जब हम यहाँ पे कहते हैं कि हमें वो गुस्सा जो है या उस इंसान का या उस सिचुएशन का इफेक्ट हमारे ऊपर ना हो, उसके लिए हमें जो ये एनर्जी कॉर्ड काटनी है ताकि उसमें से हम ये जो ऊर्जा भेज रहे, एनर्जी भेज रहे हैं वो बंद हो जाए, तो उसके लिए हम एक टेक्निक करते हैं जिसे हम कहते हैं होपोनोपो। ये एक हवाईयन टेक्निक है, हवाई नाम का एक द्वीप है, एक आइलैंड है, और वहां के लोग इसको काफी पुरातन टाइम से करते आ रहे हैं और आज तक करते हैं इसे। वो लोग उसे एक बहुत ही सेक्रेड टेक्निक मानते हैं और उनका मानना है कि इस टेक्निक से हम, वो इंसान कोई भी हो, वो इंसान अभी जीवित हो या ना हो,
हम फिर भी अपने तरफ से हमारे जो वो कॉर्ड है उसको हम काट सकते हैं, ताकि अपने तरफ से जो हम ऊर्जा वहां भेज रहे हैं जो हमें बहुत अच्छा नहीं महसूस करवाता वो बंद होता है। तो ये जो होपोनोपो की टेक्निक है इसके चार पहलू है, स्टेप वाइज हम करते हैं इसको जनरली। तो पहला इसमें जो है वो है आई एम सॉरी, ठीक है। इसमें जब मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ तो मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि वो दूसरे ने मेरे साथ बुरा किया है, मैं क्यों सॉरी बोलूं। फिर भी हम शुरू इसको ऐसे ही करते हैं, आई एम सॉरी कि तुमने मेरे साथ जो भी गलत किया हो फिर भी मैं तुम्हें सॉरी कहती हूँ। दूसरा होता है आई फॉरगिव यू, यानी कि मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और बदले में तुमसे क्षमा मांगती भी हूँ। तो आई गिव यू फॉरगिवनेस एंड आई रिक्वेस्ट यू टू फॉरगिव मी। तो दोनों जगह पहले हम शुरू कर रहे हैं आई एम सॉरी से कि मुझे माफ कर दो, दूसरा है कि मैं आपको क्षमा दे रही हूँ, आई फॉरगिव यू, और बदले में आप भी मुझे क्षमा करें। तीसरा आता है थैंक यू कि मैं बहुत बहुत आपकी मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप मेरी जिंदगी में आए, आपने मुझे जितने भी अनुभव दिए वो अच्छे थे बुरे थे जो भी थे उसे मैं स्वीकार करती हूँ और पूरे मन से पूरे दिल से आपको अपना ग्रैटिट्यूड देती हूँ, यानी कि थैंक यू कह रही हूँ। और चौथा जो आता है वो होता है आई लव यू, यानी कि मैं आपको खूब सारा प्यार दे रही हूँ। तो अपने मन से मैं आपको स्वीकार कर रही हूँ और आपको खूब सारा प्यार दे रही हूँ। तो ये इन्हीं स्टेजेस में जाता है, वन आई एम सॉरी, दूसरा आई फॉरगिव यू एंड आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस, और तीसरा थैंक यू, और चौथा आई लव यू। जनरली सबके लिए ये दूसरा जो होता है वो सबसे आसान होता है कि हाँ हाँ चलो तुमको माफ कर दिया मैंने, और ये बाकी तीन करने में बहुत हिचकिचाहट होती है कि मैं सॉरी नहीं बोलना, थैंक यू नहीं बोलना, लव यू तो बिल्कुल नहीं बोलना। बट इसको ऐसे ही किया जाता है, जब तक आप ये चारों ना करो ये टेक्निक पूरी नहीं होती है। जब आप ये करो तो जरूरी नहीं है कि वो इंसान आपके सामने बैठा हो या आपको जाके उनसे फोन पे बोलना है या फेस टू फेस बोलना है, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऊर्जा की, एनर्जी की। यहाँ पर फिजिकली सामने होना जरूरी बिल्कुल नहीं होता है, आप मीलो दूर बैठे हो, वो शायद वो इंसान हो इस पृथ्वी पर ना हो, बट ईदर वेज आप जब करो तो पूरे मन से करना है कि अपने जैसे हम कहते हैं ना पूरे रूह से करना होता है कि उसको मीन करिए, जब आप कहो तो उसमें अपनी पूरी जान डाल के उनको ये कन्वे करिए कि हाँ मैं अपने तरफ से ये कॉर्ड कट करने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसको प्लीज स्वीकार करें। और इसको अगर आप करते रहो आपको खुद ही वो बदलाव नजर आना शुरू हो जाता है अपने आप में। अगर वो इंसान है तो आपको उनके उनके रवैया नहीं मैं कहूंगी बट काफी हद तक जो आपका रिलेशन है उनके साथ उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। पर इस चीज को पूरे मन से करना बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं कि हाँ चार चीजें बोल दी है कि जैसे डॉक्टर ने बोला ये इतने इतने बजे खाना है तो मैं खा लूंगा, वो नहीं है। इसको आपको जब बोलना है तो पूरे पूरे मन से बोलना है और तभी जाके इसका कुछ आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा, और इसका रिजल्ट दिखता है। ये मैं अपने खुद के अपने पर्सनल अनुभव से आपको बता रही हूँ कि अगर ये मैंने चीज करी है और मुझे इसका अनुभव आया है तब जाके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको आप करिएगा, इसको कहते हैं होपोनोपोनो, हवाईयन टेक्निक है। इसको अगर आप चाहो गूगल पे ढूंढो तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा इसके बारे में। और इसको चार स्टेप्स में किया जाता है। जनरली किसी रिलेशनशिप के लिए हम करते हैं, कोई ऐसा इंसान जिसने हमें बहुत दुख दिया हो, गुस्सा है हमें उनके लिए, तो हम करते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इंसान तक ही सीमित रहे। अगर कोई घटना हो, कोई जैसे कि अगर बीमारी हो, कैंसर है, तो कैंसर के बारे में मुझे बहुत गुस्सा है, मुझे क्यों हुआ, तो मैं उस कैंसर से भी ये एनर्जी एक्सचेंज कर सकती हूँ। यानी कि मैं इस कैंसर को भी ये सारी चीजें बोलूंगी, आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस, थैंक यू कि तुम मेरे जीवन में आए, क्योंकि तुम जब आए तुमने मुझे काफी कुछ चीजें नई तरीके से देखना सिखाया होगा, तुमने काफी ऐसी चीजें मुझे बताई हो अपने बारे में जो कि मुझे कभी पता ही नहीं थी, और आई लव यू, तुमने मुझे जो सिखाना था वो मैंने सीख लिया और अभी से मैं अपने तरफ से ये कॉर्ड कट कर रहा हूँ या कट कर रही हूँ।
तो इस प्रकार से हम करते हैं इसको, इंसानों के साथ भी आप कर सकते हो, सिचुएशंस के साथ कर सकते हो, बीमारी के साथ कर सकते हो, कोई चीज हो तो उसके साथ भी कर सकते हो, कोई वस्तु हो जिसके साथ आप करना है उसके साथ भी आप इसको कर सकते हो। इसको चार स्टेजेस में करना होता है और उसे हम कहते हैं ओपोनोपोनो, ये इसका नाम है। ठीक है, तो इस नोट पर हम क्वेश्चंस लेना शुरू करेंगे। अगर आपके पास मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, आपके मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, पिछले सेशन का भी कुछ हो और आज के सेशन का अगर कुछ पूछना हो, तो बेशक फोरम ओपन है क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। आप में से जिसको भी मैम से सवाल है वो प्लीज अपना हाथ उठाएं। रीमा जी, रीमा जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी रीमा जी कहिए। आवाज आ रही है? नमस्ते मैडम। नमस्ते, बहुत अच्छे से आ रही है आवाज, कहिए। मेरे को भूल ही गया, भूल जाती हूँ मैं कोई भी चीज, जैसे कुछ खाना बना रही हूँ बाहर चली गई तो मैं रख के भूल गई, मुझे समझ में नहीं आता, याद ही नहीं, कभी बेटा याद दिलाता है, पति याद दिलाते हैं, गैस पर कुछ भूल गई मैं जी, और कुछ भी मत, बहुत भूल जाती चीजें है, और मुझे सोचने बहुत टेंशन करती हूँ, मुझे बहुत चिंता होती है, कोई भी बात कोई बोल देता है ना उस वक्त मैं कुछ सोचूंगी, चीज को बहुत देर तक मैं सोचती रहती हूँ, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों ऐसा हुआ, इतना अच्छा किया, ऐसे वो कर रहे हैं या कर रही है कोई भी इंसान, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, यहाँ तक मुझे रात में सोने में भी कहते हैं, सब लोग बताते हैं कि तुम मतलब परेशान रहती हो, मुझे कुछ समझ नहीं आती ये क्यों होता है, इसलिए बहुत। आपके आपके दो सवाल जो है, तो आपका जो दूसरे सवाल का जो उत्तर है ना, नहीं पहले सवाल का जो उत्तर है ना, वो आपके दूसरे सवाल में है। जब आप कहते हो कि मैं भूलती हूँ, उसी का मतलब क्या हुआ कि मेरा ध्यान अभी में नहीं है, मेरा ध्यान इधर उधर है। ओके, और वो इधर उधर क्यों है, क्योंकि आपने जो दूसरा सवाल पूछा है कि मैं नहीं किसी चीज को भुला पाती हूँ, अगर वो हुआ है मेरे साथ तो मेरे विचार दोबारा दोबारा वहीं पर जा रहे हैं, मैं उसी को याद कर रही हूँ, तो अगर मैं भुला नहीं पा रही हूँ तो क्या होता है कि स्पेशली मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जब आप कहते हो ना कि मैं खाना बना रही हूँ, तो खाना हम अपने ही किचन में बनाते हैं जहां पर मुझे सारी चीजें जो है पता है कहाँ कहाँ रखी है जी, राइट, डब्बे वब्बे वो सदियों से शायद वहीं पर है, जब से मैंने किचन सेटअप किया है मेरा, तो डब्बे वहीं है, बर्तन वहीं पे है, तो जब मैं किचन में काम करने जाती हूँ तो मेरा हाथ ऑटोमेटिकली जाता है, क्या मुझे सोचना पड़ता है मुझे हाथ कहाँ डालना है, कहाँ रखा है मैंने डब्बा। आप ध्यान दीजिएगा, आज अगर जब आप मसाले भी डाल रहे हो आपका ऑटोमेटिकली हाथ उधर जाता है, कुछ यही होता है। इवन जो लोग गाड़ी जब चलाते हैं ना, शुरू शुरू में हमें ध्यान देना पड़ता है गियर कहाँ डाल रहे हो, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली गियर पड़ना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, जब जब हम ये ऑटोमेटिक में काम करते हैं ना, जैसे कि आपके केस में खाना बना रही हूं, तो ऑटोमेटिक हाथ जा रहा है, मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है, तो जब जब ऑटोमेटिक जाता है यानी कि दिमाग का काम बंद हो गया, उसको कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो पता है मुझे कहाँ से क्या उठाना है, अब उसके पास काफी खाली टाइम है, तो अभी खाली टाइम में क्या करेगा, पिछली बातें याद करेगा, आगे की बातें याद करेगा, और जब दिमाग को खाली टाइम होता है ना, वो अच्छी बातें बहुत कम बार याद करता है, वो कौन सी याद कर देगा, जब मुझे किसी ने बहुत कुछ बुरा बोला था, मुझे गुस्सा आया था, या आगे का पता नहीं अब ये कोरोना कब जाएगा, कब मेरा पैसे का कब क्या होगा, ईएमआई भरना है, तो जो विचार है वो कहाँ पे जा रहे हैं, एक तो पास्ट में या फिर आगे, तो ये दो ही होते हैं, या फिर हमें गुस्सा आ रहा होता है या फिर हमें घबराहट हो रही होती है, डर लग रहा होता है, ये दोनों ही रहता है हमेशा, और ये कब होता है, जब हम ऑटोमेटिक वे में काम कर रहे हो, जो कि आप कह रहे हो कि जब मैं वो कर रही हूँ मुझे ध्यान याद नहीं रहता है, क्योंकि क्योंकि आपका ध्यान ऑटोमेटिकली उधर जा रहा है, राइट तो इसके लिए हम क्या करें। अगर आपने, मेरे ख्याल से आप पिछले सेशन सारे फॉलो भी कर रहे हो, राइट, पहले हमने जो जो बातें की है अभी तक जी, तो क्या आप वो सब कर रहे हो अभी, कर रहे हैं, लिख रहे हैं मैडम, लिखने का काम करते हैं, और वो पांच, हाँ डेली लिख रहे हैं, पांच चीजें जो आपने बताई थी
देखने की, जिसमें पांच चीजें खूबी निकालने की, 5, 4, 3, 2, 1 सुनने का तीन, और स्पर्श वाला जो बताया था, सुनने का बताया था, राइट राइट, तो वो दो राइट, परफेक्ट परफेक्ट फैंटास्टिक। तो वो दो एक्सरसाइजेस आप कर रहे हो, उसके साथ जब गुस्सा आता है उसके लिए आप वो एक्सरसाइज करते हो जो मैंने आपको बताई थी, रिवर्स काउंटिंग विद द स्क्वीज बॉल। ओ करती हूँ वो 199 ये वाला करती हूँ, लेकिन मैं फिर भी भूल जाती हूँ, भूल जाती, फिर दिमाग उसी में चला जाता। राइट राइट, तो जो हम ये कहते हैं वो, अगर आपने पिछला सेशन सुना हो तो मैंने एक बात बताई थी कि जब एक रास्ता बन जाता है ना, न्यूरो पाथवे बन जाता है, तो हमारा मन जो है ना वो ललचाता है कि हम उधर जाए, क्योंकि वो रास्ता बना हुआ है ना, तो हमें वो खींचता है कि अच्छा इधर आओ ये वाला अच्छा है। उसको ब्रेक करने के लिए हमें धीरे धीरे चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो जो आप अभी कर रहे हो इसको लगभग, इसको लगातार करना बहुत जरूरी है। तो ये एक हफ्ता दो हफ्ता में कुछ नहीं होगा, इसको आप 90 दिन पकड़ के चलो, 90 दिन तक इसको करना ही करना है, तब जाके आपको कुछ चेंज नजर आना शुरू होगा, तभी वो नया रास्ता बनेगा। तो अभी क्या है, अभी वो रास्ता बना हुआ है ना, हम करते हो फिर भी हमें लगता कुछ हो नहीं रहा है मेरे साथ, ये हो जाता है इसलिए। राइट राइट, जो स्वाभाविक है क्योंकि हमें आदत है ना दवाई खाने से एकदम से सर दर्द जाएगा, तो हमें सब फटाफट चाहिए होता है। तो उसको थोड़ा समय दीजिए। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, अगर आज आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे बिल्कुल याद नहीं रह रहा या मेरा ध्यान यहाँ वहां जा रहा है, तो इसे बनने में काफी साल लगे हैं। तो इतने साल अगर लगे हैं तो इसको एटलीस्ट 3 महीने दीजिए कि वो वापस से ठीक हो जाए। राइट राइट राइट, क्यों हो रहा है, क्योंकि वही है। अगर आज का भी आपने सुना हो जो होपोनोपो की टेक्निक मैंने बताई, इसे प्लीज करिए, जो 4 स्टेप्स है ना उसके, उसको करिएगा। और आपका मूड खराब होना या आपको गुस्सा ज्यादा आना, इसका एक्चुअली आपके ट्रीटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप आपके डॉक्टर्स को पूछो कि मुझे अभी ज्यादा हो रहा है, तो डॉक्टर आपको बोलेंगे पूरी तौर से मानसिक है, क्योंकि वो इतना ज्यादा मुझे दुख हुआ है कि ये मुझे क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने तो अपनी जिंदगी अच्छे से जी है हमेशा, वो देखो दूसरा वो तो कितने बुरे काम करता है, उसके साथ ऐसा नहीं होता। तो ये स्वाभाविक है, ये हमें ये सारे विचार हमेशा आते हैं ऐसे, और इसीलिए हम होपोनोपो करते हैं। तो अगर होपोनोपो आप, अगर आपको गुस्सा इस बात के लिए आ रहा हो ना कि मुझे कैंसर क्यों हुआ, मुझे क्यों ऐसी बीमारी हुई, तो कैंसर के साथ होपोनोपो करिए, जो आज मैंने बताया ना 4 स्टेप्स जो करने हैं होपोनोपो, उसके 4 स्टेप अपने अपने आप के साथ करिए। तो अपने आप को कहिए कि आई फॉरगिव यू, आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू। तो ये जो 4 है मैं अपने आप को भी कह रही हूँ, और मैं कैंसर एज अ बीमारी, बीमारी से भी ये बात कर रही हूँ, बीमारी को भी ये सब कह रही हूँ। पर इसको करते रहिए, ठीक है, इसको अगले 3 महीने करते रहिए, 90 दिन तक करना जरूरी है। थैंक यू रीमा जी। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हीना जी की तरफ से। जी हीना जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो मैम। हेलो। मैं आपको देख के बार बार खुश हो जाती हूँ। थैंक यू। मैं भी खुश होती हूँ आपको देख के। कही है मैम, आपने बोला कि होपोनोपो करो। हाँ। कुछ लोग है ना इतने बुरे होते हैं कि होपोनोपो उनके बारे में सोचते हैं, होपोनोपो का ख्याल चला जाता है। आई अंडरस्टैंड, होता है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब मैं होपोनोपो के 4 स्टेप्स बोलती हूँ ना, जनरली सिर्फ दूसरा ही कर पाते हैं लोग, जो 3 है ना वो उनको करने का मन ही नहीं करता है। अगेन इसका भी सेम एक्सप्लेनेशन है कि हमारे दिमाग में जो न्यूरो पाथवेज बने हैं, जो रास्ते बने हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग बने हैं कि मेरा गुस्सा जो है उस पर्सन के लिए वो एकदम, जैसे कि हम बोलते हैं ना, पक्का बन चुका है, पक्की सड़क बन चुकी है। तो अभी उसके ऊपर से हम कुछ और करने की कोशिश करें या हम दूसरा रास्ता बनाए जो कि कहता है कि गुस्सा नहीं करना है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मन के लिए, कि मेरे विचार मैं इधर लेके जा रही हूँ पर फिर भी वहीं पे खींचे जाते हैं कि उसने तो ये भी किया था, अरे तुम वो भूल गए, देखो वो भी किया था तुम्हारे साथ।
ये होता है, ये ऑटोमेटिक होता है और इसको ऑटोमेटिक को तोड़ना बहुत जरूरी है। और जब तक आप वो रास्ता तोड़ोगे नहीं अपने लिए, तब तक ये होता ही रहेगा और ये बार बार होता रहेगा। पर ये अगर बार बार होता है तो मुझे बताओ, उसको जब याद करते हो, जो गुस्सा आता है, तो आपको कैसा फील होता है? बहुत मजा आता है उसके बारे में गुस्सा करके या वो सब सोच के? नहीं होता है ना। और जैसे हमें गुस्सा आता है तो आपका जो शरीर है ना, वो अंदर से अगर आप गुस्से को समझो ना, तो गुस्सा ये एक जैसे जलने वाली जो भावना है ना, ये वो है। तो अगर वो जलन आप बार बार अपने शरीर में उत्पन्न कर रहे हो जिसका कोई आउटलेट ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे ये सारे आपके शरीर के अंदर के ऑर्गन्स को अफेक्ट करना शुरू करेगा। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें सिर्फ गुस्सा आया है, तो सिर्फ गुस्सा नहीं है। अगर आप अपने पूरे स्कैन करो ना बॉडी का, जब आपको गुस्सा आता है तो आपको नजर आएगा आपके शरीर में बहुत अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस होते हैं जब आपको गुस्सा आता है। और अगर ये चलता रहेगा काफी समय तक, तो ओवरऑल आपकी इम्यून सिस्टम नीचे जाएगी, आप बहुत जल्दी आपको सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, कुछ कुछ इन्फेक्शन हो रही है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने इन इमोशंस को डील नहीं किया अच्छे से, बुखार रहने ही लग गया है। और मुझे पता है कि गुस्से की वजह से ही बार बार इतना बुखार आ रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति को देखते हैं मेरा मन करता है कि मैं जाके मार दूं, इतना मुझे गुस्सा आ जाता है। राइट तो नेक्स्ट टाइम आप जो होपोनोपो भी कर रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था ना कि लास्ट सेशन में कि कुछ चीजें अपने साथ रखिए, जो आपका फर्स्ट एड हम टूल कहते हैं, उन चीजों को साथ में रखिए कि मुझे गुस्सा आ रहा है पर क्या मैं अपने साथ एक स्क्वीज बॉल रख सकती हूँ, क्या मैं कुछ तो टॉवल रख सकती हूँ, टर्किश टॉवल जिसका थोड़ा सा ऐसे टेक्सचर थोड़ा अलग रहता है, जो हमें स्मूथ अच्छा लगता है। तो उन चीजों को सेंसेशन से ध्यान दीजिए उस वक्त जब गुस्सा आता है। इवन जो 5-4-3-2-1 वाली एक्सरसाइज थी वो भी उसी के लिए थी, ताकि हमारा ध्यान जो है वो वहां से हटके अपने सेंसरी ऑर्गन्स पे जाए, शरीर पर जाए। इसीलिए हम 5 चीजें देख रहे हैं, 4 चीजों को छू रहे हैं, वो हम क्यों कर रहे हैं, ताकि उस मोमेंट से कनेक्शन निकालें। तो जब आपको इमीडिएट गुस्सा अभी आ रहा है तो आप ये करिए ना, 5-4-3-2-1 करिए, उल्टी गिनती करिए, स्क्वीज बॉल के साथ करिए, और जैसे ही आपको लगता है कि हाँ अभी थोड़ा सा कम हुआ है, होपोनोपो स्टार्ट करिए इमीडिएटली। सो ये सारा एज अ प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि आज मैंने होपोनोपो किया, कल मैंने ये किया, परसों मैंने वो किया। ये सारे आपको एक साथ जब आप करोगे तो इसका अनुभव आना शुरू होगा आपको धीरे धीरे, पर इसको करना जरूरी है। मैं समझती हूँ जब आप बोलते हो बहुत डिफिकल्ट है, कठिन हो रहा है, डिफिकल्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये चैलेंज है एक, बट इसको आप कर पाओ तो वेरी गुड। कि अभी तक इतना जो जल रहे हो गुस्से में, आगे की जिंदगी तो नहीं चलोगे ना, तो ये अच्छी बात हो जाएगी। तो इसको अभी से करना शुरू करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली होपोनोपो तो एक ब्यूटिफुल टेक्निक है। और कुछ भी तो नहीं करना है, अपने घर में बैठना है, ये भी नहीं है कि उसको सामने लेके आके बोलना है, अपने से मन में बोलना है ये सारी चीजें। पर जब बोलो तब पूरे भाव से बोलो, फील करके बोलो कि हाँ मैं अपने तरफ से ये कॉर्ड कट कर रही हूँ आज, और उसमें मैं आपको खूब सारी ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, बहुत सारा आशीर्वाद दे रही हूँ कि आप अपनी जिंदगी में खुश रहो और मुझे अपने इस गुस्से से मुक्त करो। ये करते हैं हम, ठीक है? ट्राई करूंगी। करो करो, इसको जरूर करना। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू मीना जी। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुर अरोरा जी के तरफ से। मधुर अरोरा जी, प्लीज अपने अपना माइक अनम्यूट करें। हेलो मैम। हेलो बासिया। हेलो। हेलो शांभवी मैम। हेलो मधुर जी, कैसे हैं आप? लगता है कि शायद हम लोग क्वेश्चन नहीं आपसे खाली मिलने का बहाना ढूंढ लेते हैं। चलो लॉकडाउन खत्म होते ही हम सब मिलेंगे जरूर। मैम एक्चुअली इसमें दो चीजें अलग अलग थी। एक तो ये कि रिगार्डिंग जर्नलिंग, टू बी वेरी ट्रू मैं ये कर नहीं पा रही हूँ। उसका मैं कारण बताती हूँ कि कई बार क्या होता है कि जैसे हमें लगा कि हमें अभी लिखना चाहिए, बट चूंकि बच्चे बड़े नहीं है तो समटाइम दे कम एंड दे ट्राई टू सी कि बट मम्मा इज राइटिंग एंड द थिंग इज दैट आई डोंट वांट टू शो देम, है ना? राइट राइट। चाहे पूरा व्हाई दे शुड नो, है ना? उससे क्या होगा, कुछ उससे शायद उनके दिमाग में एक गलत वो बन जाएगा। एब्सोल्युटली जी, इसका कुछ हल हो। और दूसरा मैडम जो आप कह रहे हो कि होपोनोपो, मैं उसको समझ भी रही हूँ कि आप जो कह रहे हो ना उसको पूरे भाव से करना है। और मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि शायद मैं स्पेशली शायद उसको भाव से ही नहीं कर पा रही हूँ वो चीज। शायद इतना हमने उसको अंदर इतना ज्यादा ठूस लिया है अपने दिमाग में कि वो जो भाव आप कह रहे हो ना वो भाव नहीं आ रहा। वो कब पता लगता है? जब हम उस आदमी से
पर्टिकुलर एक दो लोग होंगे, ज्यादा नहीं होते हैं, उनसे जब हम बात करते हैं तो जो मेरा जो भी मैं कन्वर्सेशन करती हूँ उसको जब मैं बाद में एनालाइज करती हूँ तो दैट वाज नॉट नॉर्मल कन्वर्सेशन। ओके, उस कन्वर्सेशन को जब वापस पलट के देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि अगर मैंने वो काम कर लिया होता कि ठीक है मैंने उनको फॉरगिव किया, उन्होंने मुझे फॉरगिव किया, तो जो शब्द मैंने अभी बोले, हालांकि मैं बहुत ही उसको कोशिश करती हूँ उसको अच्छा बोलने का, लेकिन ये शब्द अभी भी अच्छे नहीं है, उससे क्या होगा कि आगे के लिए भी हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना। मान लो वो तो उसने तो छोड़ दिया, उसको तो वो चीज पता भी नहीं थी, इसलिए वो तो अपना, या वो इतना स्मार्टली प्ले कर जाते हैं कि वो तो बहुत अच्छे से बोलते हैं, लेकिन मेरे जो आंसर हैं वो मुझे अभी भी लगता है कि दे आर नॉट एट पार, जो होना चाहिए वो नहीं है, और वो भाव जो है जो आना चाहिए, जो आप बार बार आपकी आंखों में भी दिखता है ना, वो हमारे में क्यों नहीं आ पा रहा है जो पोनोपो करते हैं। ओके ओके ओके, आपके फर्स्ट क्वेश्चन से मैं शुरू करती हूँ। जो आप कह रहे हो कि जर्नलिंग की जो बात है कि मैं लिखती हूँ पर मैं किसी को शो नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे दिक्कत हो रही है, बेशक उस पेपर को फाड़िए और डस्टबिन में फेंकिए, यू डोंट हैव टू कीप इट। मतलब जर्नलिंग का मकसद ही ये है कि हमें कचरा निकालना है बाहर, कचरा को इकट्ठा नहीं करना है। ओके, तो क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मुझे नहीं किताब फाड़नी है, इसलिए हम कहते हैं ठीक है रख दो उसको, अपनी डायरी बना के रख दो, पर अगर मेरे पास ब्लैंक पेजेस है तो अगर मैं कुछ जब लिखती हूँ मैं ब्लैंक पेजेस पे लिखती हूँ, उसको फेंक देती हूँ, फाड़ के फेंक देती हूँ डस्टबिन में। क्यों? क्योंकि वो ऐसे विचार थे जो मुझे चाहिए नहीं थे, इसलिए दिमाग में बाहर डाले हैं उसको। हम उसको, और अक्सर ये भी हो जाता है कि जब हम लिखते रहते हैं ना, कभी कभी जब मन एकदम उदास हो ना तो हम पीछे जाएंगे और हम पढ़ेंगे भी, अच्छा मैंने उस दिन क्या लिखा था, और वो पढ़ के और रोना आएगा और बुरा लगेगा। तो इसमें भी सबसे बेस्ट रहता है कि उसको फेंक ही दो, कोई जरूरत ही नहीं है उसको, हमको उसको पढ़ना नहीं है, ना किसी को और को दिखाना है, मुझे भी नहीं दिखाना है, किसी को नहीं दिखाना है, बस अपने लिए हम करते हैं वो, ताकि वो सब खाली करे दिमाग। दैट इज वन। सेकेंड बात जो आपने कही होपोनोपो वाली, यस आई टोटली अग्री कि उसको शुरू में करने में बहुत जैसे कहते हैं कि डिफिकल्ट है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। ये मेरा चीज हमेशा रहेगा, क्योंकि मैं एक जीता जागता उदाहरण हूँ आपके लिए। तो क्योंकि अगर आप कहते हो कि आप मेरी आंखों में दिखता है या मैं ऐसे कहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी लाइफ तो बहुत ही मस्त थी, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इंसान है ना, हम सबको प्रॉब्लम्स आएंगी, बेशक आएंगी। अगर मैं अभी भी आपको बोलूंगी शायद 2 घंटे बाद मेरा भी किसी के साथ बहुत बड़ा वाला झगड़ा हो जाएगा, बट इम्पोर्टेंट क्या है कि मुझे पता होना चाहिए कि मुझे इस गुस्सा आया और मुझे इससे प्रॉब्लम हो रही है। द मोमेंट आपको समझे कि इससे मुझे कुछ तो हलचल हो रही है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, मुझे पता चल जाता है कि मुझे काम करना है अपने ऊपर, और सामने वाला उस पे काम कर चुका है, उसको फर्क पड़ा है नहीं पड़ा है वो बिल्कुल हमारा गेम नहीं है, वो उसका गेम है। बट मुझे जब पता चलता है कि मुझे इससे प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि मुझे इस पे काम करना है, और जब मैं कहती हूँ कि मैंने काम किया है, तो मैंने इन चीजों पे गए 7 साल, हाँ मैंने 7 साल इन चीजों पे काम किया है, कि तब जाके मैं अभी यहाँ पे बैठ के आप लोगों को बोल पाती हूँ, नहीं तो शायद मैं गुस्से की बात आपसे करने शुरू करूंगी और मैं जब एग्जाम्पल दूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरा न्यूरो पाथवे स्टार्ट हो जाएगा, अरे तुम्हारे साथ भी किसी ने ये किया था, या अगर आप लोग जब अपनी स्टोरीज मुझे बताते हो तो शायद मैं अपनी स्टोरी से कनेक्ट करूंगी। राइट, इट इज ऑब्वियस ना, अगर आपको किसी ने बहुत बुरा बोला या आपके साथ किसी ने धोखा किया, तो मेरे जिंदगी में भी किसी ने मुझे धोखा दिया हो, तो ऑटोमेटिकली मेरा न्यूरो पाथवे है जो धोखा वाला वो स्टार्ट हो जाएगा, और मैं आपकी बात सुनूंगी नहीं, मैं अपने अपने ही पिछले इसमें चली जाऊंगी और मुझे रोना आएगा, मुझे गुस्सा आएगा। अभी वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने बहुत समय दिया है इस चीज को कि मैंने अपनी जिंदगी को हील किया है, तब जाके मैं आपसे बात कर पाती हूँ। तो जब मैं या यहाँ पे जितने भी थेरेपिस्ट आके आपसे बात करते हैं, आप सब लोगों से, हमारा मकसद यही है कि आप लोग अपने ऊपर काम करें, तब जाके आगे आप दूसरे लोगों को ये सब सिखा पाओ, कि आप किसी और को जब समझाओ तो वो भी आपको बोलेंगे मधुर जी आपने जो बोला है, आप मतलब दिखता है जब आप कहते हैं, तो ये आएगा।
ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज है कि ये सब ऐसे ही ख्याली पुलाव है, ये बिल्कुल नहीं है, ये होता है। और मैं एक जीता जागता उदाहरण हूँ आपके लिए। तो अगर ये मेरे ऊपर काम किया है तो ये सबके ऊपर, आप सब पे काम करेगा, ओके, उसकी टेंशन मत लीजिए, बट उसको समय दीजिए। मेरा सिर्फ यही कहना है कि मेंटल हेल्थ का जो प्रोसेस है, हीलिंग प्रोसेस, इसको समय लगता है, पर ये जब हो जाता है ये पूरी तरीके से हो जाता है, मतलब इतना सा भी उसमें कुछ रहेगा नहीं, ये कम्प्लीटली हील हो जाएगा। तो धीरे धीरे इसको आने दीजिए, इस प्रोसेस को धीरे अपना समय लेने दीजिए और बिलीव करिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें जब विश्वास करोगे आप तब वो काम करेगा आपके लिए। तो स्लोली आराम से आप कर रहे हो, वो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है जो आपने बताई अभी, पर इसको करते रहिए, इसको समय दीजिए, 3 महीना मिनिमम। मैम एक चीज है जो आपसे रिलेटेड है कि नहीं है, मैंने अभी उस पे गूगल पे चेक किया, डॉक्टर साहब ने मुझे एक टैबलेट दिया हुआ है एंड सिंस लास्ट 4-5 months ही हैज गिवन इट टू मी एंड एडवाइज मी टू हैव हाफ ऑफ इट एट 7 PM लाइकोट्रिप उसका नाम है। मैंने उसको गूगल पे देखा तो वो एंटी डिप्रेसेंट टाइप टैबलेट है, तो मैं उसको छोड़ दूं, मुझे उसकी क्या जरूरत है? क्योंकि ये मेडिसिन की बात है, मैं पर्सनली इस पे नहीं कमेंट करूंगी, ये आपको क्योंकि हमें ये भी पता करना चाहिए ना डॉक्टर ने किस कॉम्बिनेशन में दिए हैं, बाकी कौन से दवाइयां हैं, वो बहुत जरूरी होता है। तो ये जो इंटरनेट है ये एक ये गड़बड़ है, ये इन्फॉर्मेशन देता भी है पर काफी समय ये होता है कि ये इन्फॉर्मेशन की जरूरत हमें नहीं है। पर आपने अगर पढ़ा है तो प्लीज अपने डॉक्टर को एक बार कंसल्ट करिए कि मैंने ये पढ़ा है, मैं क्या करूँ। पर हम इस प्लेटफॉर्म पे इस बारे में नहीं बात करेंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मधुर जी। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेविया जी की तरफ से। जी फ्लेविया जी प्लीज अपने तरफ से अपना माइक अनम्यूट करें। अनम्यूट किया, यू कैन हियर? यस यस। हां थैंक यू वेरी मच बसिया। हाँ मुझे ये पूछना था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड, सिंस 35 इयर्स से फ्रेंडशिप है, लेकिन अचानक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से उसने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया। फोन करूँ तो डिस्कनेक्ट करती है, मैसेज भेजूँ तो ब्लॉक कर देती है, सो आई फेल्ट वेरी बैड। तो मैं, मुझे ऐसा रहने जाता है, मतलब माई नेचर इज की कुछ भी हुआ तो forget and forgive, ऐसे मेरे नेचर है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे ऐसा नेचर मिला। सो आई वेंट पर्सनली टू हर हाउस और कुछ फंक्शन था तो मैं इन्विटेशन, कुछ प्रोग्राम था घर पे, तो वो इन्विटेशन भी उसके घर पे लेके गई, लेकिन वो घर पे होते हुए भी घर से बाहर ही नहीं आई, नाने गई एक से सब उसके पति ने बोला, और फिर बाहर आके सीधा दरवाजा खुल के निकल गई बाहर। तो उसकी मेड को बोली कि इनको कोल्ड ड्रिंक मिल्ड्रिंक चाय कॉफी बनाना, और सीधे निकल गई। सो आई फेल्ट सो बैड कि मैं इसके घर पे आई पर्सनली टू क्लियर आउट जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्लियर कर दो, बिकॉज आई डोंट नो कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो सीधे निकल गई। तो उसके हस्बैंड ने ही बोला कि यू डोंट वरी, मतलब वो तो अभी गई तो वो जल्दी से आएगी नहीं, यू डोंट वेस्ट योर टाइम, आई नो हर नेचर, ऐसे। तो मुझे बहुत रोना आ गया, तो तब से लेके अभी तक I always think of her. तो क्या करना चाहिए इसको? अभी every occasion कुछ festival है तो I call her, वो उसका block कर देती है, फिर उसके husband को मैं call करके wish करती है, and then I try sometimes friendship day and other day उसको call करना, लेकिन bell बजती है वो उठाती नहीं। But मैं आज की तारीख में भी उसके बारे में सोचती हूँ। जी, तो उसके कजिन सर, उसके फ्रेंड्स, जो हम लोग सब एक साथ ही है फ्रेंड, उन्होंने बोला कि यू नो हर नेचर, सो व्हाई यू आर आफ्टर हर, जस्ट फॉरगेट हर, मे बी यू आर सच अ गुड सोल, तुम भूल जाओ उसके बाद। उसके खुद कजिन्स बोलते और हमारे बाकी के फ्रेंड्स बोलते कि इतना गुस्सा क्या रखना है, आई इवन डोंट नो, राइट? सो दैट इज बॉदरिंग मी। ओके, वन दैट, ये चीज हमें भी पता है कि हमारा बिल्कुल कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर, मतलब बाकी कोई कुछ भी कहे, हमारा जीरो कंट्रोल है उसके ऊपर, राइट? आपकी फ्रेंड के ऊपर, राइट? कंट्रोल हमारा किसके ऊपर है यहाँ पर? सिर्फ अपने ऊपर, दैट इज ऑल वी कैन डू, राइट? सो टू बिगिन विद, आपको EFT सीखा है, आपने टैपिंग सीखा है? यस, डेजरी मैम जो पढ़ाते हैं उसमें टैपिंग बताते हैं ना, तो आप अपने लिए
टैपिंग जब करोगे, जैसे कि मेरा मन किया कि मैंने अपनी फ्रेंड को ना आज मैसेज करना है, मुझे बहुत याद आ रही है उसकी, तो मैंने उसको लिख दिया कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, सॉरी जो भी हुआ भुला दो. उसके बावजूद उसने मुझे समझ लो ब्लॉक कर दिया, या हमने व्हाट्सएप पे देख लिया कि उसने देखा है पर रिप्लाई नहीं किया. इससे क्या हो गया, मुझे बहुत हर्ट फील हुआ, मुझे दुख हुआ कि ऐसे क्यों कर रही है मेरी फ्रेंड. तो अभी वी कैन नॉट चेंज उसका रिएक्शन, हम उनको नहीं बोल सकते चलो चलो मैसेज करो, बट हम क्या वर्क कर सकते हैं, जो मुझे बुरा लगा वह उस समय मैं उस पे काम जरूर कर सकती हूँ, ताकि मुझे जो बुरा लग रहा है उसको मैं हील कर पाऊँ अपने आप को. तो वो जो है उसके लिए हम करते हैं टैपिंग. तो वो जो फीलिंग आया कि मुझे अभी बहुत हर्ट हुआ है, तो आई विल स्टार्ट टैपिंग. और जब आप टैपिंग करोगे ना, तो टैपिंग के साथ जो मैंने आपको आज होपोनोपो बोला है ना, इसको उसके साथ करिएगा. सो टैपिंग आप पॉइंट्स पे करिए, जहां पे आपको दिखाया गया होगा ना सारे पॉइंट्स. तो आप जब टैप कर रहे हो ना, तो टैपिंग करते हुए ये होपोनोपो का स्क्रिप्ट जो है वो बोलिए कि मेरी जो फ्रेंड है, समझिए उसका नाम है एक्सवाईजी. हमारे बीच में या आपके तरफ से कुछ हुआ था, फिर भी मैं आपको फॉरगिव कर रही हूँ, मैं आपसे फॉरगिवनेस मांग रही हूँ. और तुमने हमेशा मेरा इतना अच्छा साथ दिया है, हम इतने सालों के फ्रेंड्स है, तो थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए. वी हैव हैड सच ब्यूटिफुल मोमेंट्स टुगेदर, बट आई स्टिल लव यू, आई स्टिल लव यू विद द सेम इंटेंसिटी. इनफैक्ट मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ आज भी. आप मुझे कॉल ना करो, आप मेरा कॉल ब्लॉक करो, फिर भी मैं अपने आपके तरफ से आपको बहुत प्यार देती हूँ. स्टार्ट डूइंग दिस. सो वॉट वी आर डूइंग इज, हम टैपिंग कर रहे हैं पॉइंट्स पर, और उसके साथ में हम होपोनोपो का स्क्रिप्ट बोल रहे हैं. इसका इफेक्ट दुगना होता है when you do this. But try doing this. और ऐसे भी मैं उसको कुछ रीजन ही नहीं पता है, फिर भी मैंने माफ कर दिया है. एंड आई ऑलवेज लव हर, कुछ भी मेरे तरफ से, मैं आई एम रेडी टू गो टू हर हाउस इवन टुडे टिल डे, बट ही जस्ट रिफ्यूजिंग, यू नो. तो मेरा कहना ये है कि अगर हम, आप ये सब कर रहे हो, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपके तरफ से आपने कुछ चीजों को पकड़ा है या आपने कोई ग्रज रखा है, बिल्कुल नहीं है. बट उनके बिहेवियर से अगर मुझे दुख होता है, तो मुझे अपने ऊपर काम करना जरूरी है. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसी को नहीं कंट्रोल कर सकती. मतलब मैं अपने माँ बाप को, अपने हस्बैंड को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, मैं किसी को नहीं कंट्रोल कर सकती हूँ. बट किसको मैनेज कर सकती हूँ? अपने आप को, अपने विचारों को, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, ओनली इस पर मेरा कंट्रोल है. तो जिस चीज पे हमारा कंट्रोल है, इट इज बेटर टू वर्क ऑन दैट ना, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू थिंग्स टू मेक हर. दैट्स व्हाट माय ब्रदर्स, दैट्स व्हाट माय ब्रदर एंड सिस्टर आर टेलिंग, यू नो. मैं अपने तरफ से आपको बहुत सारा प्यार दे रही हूँ, कि अगर आपने कोई भी ऐसा कोई हिस्सा है आपका जो बहुत दुखी है इस वक्त, तो मैं अपने तरफ से आपको खूब सारा प्यार दे रही हूँ. बस हमारे तरफ से हम इतना ही कर सकते हैं. तो लुक एट हर लाइक समवन हु इज अ चाइल्ड हु इज wounded, so how will you behave? We'll not ask na ki mujhse baat karo, baat karo. We'll give them their time. So let them take. Entire life laga to bhi chalega. But agar usse mujhe problem ho rahi hai, to mujhe I have to work on myself. Main uske liye unpe kuch nahi kar paungi. I have to work on myself. So if I feel hurt, do the tapping. I am feeling hurt, par fir bhi I am accepting myself. Main apna wo जो हर्ट पार्ट है, जिसे बुरा लग रहा है, मैं उसको स्वीकार रही हूँ. डू दैट व्हेन यू आर डूइंग इट, एंड उसके साथ गो वन स्टेप अहेड, और टैपिंग के साथ आप ओपन अप करिए. इट हेल्प्स ओके ओके. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू. वेलकम, गॉड ब्लेस यू टू. थैंक यू फ्लाविया जी. मैम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जयंती पाल जी की तरफ से. जी जयंती जी, प्लीज अपना सवाल पूछिए. हेलो मैम. हेलो. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून मैम. मेरा सवाल था, जो आप अभी बताए चार बातें जी, तो वो क्या अकेले में करना है या जिससे, जिसपे मतलब गुस्सा रहे उसके सामने करना है, ये मेरा क्वेश्चन है.
ओके हम इसे जनरली अकेले में ही करने की बात करते हैं क्योंकि जैसे आपने होपोनोपो सीखा आज या समझिए आप दिनों से संजीवनी के सेशन सुन रहे हो इसीलिए आपको ये बात समझेगी हम ये क्यों कर रहे हैं. जरूरी नहीं है सामने वाले को ये बात पता हो तो उनके लिए ये एक हंसी मजाक का भी विषय हो सकता है. अगर आप सीधा उनके सामने बोलने लग जाओ आई एम सॉरी आई फॉरगिव यू थैंक यू तो उनको लगेगा अरे क्या हो गया इनको अभी तक सुबह तक ठीक थी एकदम से क्या बात करने लग गई है. तो इसीलिए अगर वो कुछ उस समय भी कुछ बोल दे तो उससे हमें गुस्सा आ सकता है कि देखो मैं तो प्यार देने की कोशिश कर रही हूँ ये सामने मेरा ही मजाक उड़ा रहे तो इससे क्या होगा हमें और गुस्सा आएगा तो उसका कोई फायदा बिल्कुल नहीं होगा. तो व्हाट इज इसमें ऐसे सिचुएशन में सबसे बढ़िया क्या है कि अपने आप में करिए अपने स्पेस में करिए. सबसे सही रहता है बढ़िया रहता है सोने से पहले और सुबह उठते ही इस चीज को करना क्योंकि तभी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो थोड़ा सा जाग रहा होता है और कॉन्शियस माइंड अभी भी थोड़ा नींद में ही होता है. तो हमारा जो ये कॉन्शियस माइंड है ना वो काफी चीजों को ध्यान देता है जैसे कि हमें जैसे कुछ लोग कह रहे हैं ना कि गलती मैंने थोड़ी ना की थी उसने की थी ये सारी चीजें हमारा कॉन्शियस माइंड दोबारा दोबारा हमें याद दिलाता है. तो इन दोनों समय पर करिए जब आपके साथ कोई ज्यादा हो भी ना. एक क्वेश्चन और जैसे आपने बताया कि सोने जाइए तब या फिर सुबह उठे तब करें मैं मगर मान लिया कि दिन में गुस्सा आया तो क्या सुबह शाम करें कि दोपहर में करें या गुस्सा आए तब करें. ओके होपोनोपो एक टेक्निक ऐसी है जो मैं गुस्सा आने पे नहीं सजेस्ट करती हूँ मैं उसे तब सजेस्ट करती हूँ कि अगर काफी समय से आपका किसी के साथ गुस्सा है या मैं उसको भुला नहीं पा रही हूँ या उनको माफ नहीं कर पा रही हूँ या मैं अपने आप को नहीं माफ कर रही हूँ मैं कैंसर को नहीं भुला पा रही हूँ या मुझे अभी भी गुस्सा आता है जब मैं सोचती हूँ हम तब करते हैं. अगर मुझे इस मोमेंट में गुस्सा आया है तो उसके लिए मैंने आपको दूसरे टेक्निक्स दिए हैं कि अभी गुस्सा आया है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट बहुत मुश्किल होगा अगर आप ओपन करने लगोगे उस वक्त होगा ही नहीं उस समय. इनफैक्ट वो मन से जो भावना आ रही है वो तो बिल्कुल नहीं आएगी. अगर मुझे किसी ने कुछ बोला है तो मैं उसको नहीं बोलूंगी आई लव यू क्यों बोलूं मैं तुमको आई लव यू ये होगा है ना. तो उस समय ये नहीं करना है हमने ये हम कब करना है इसीलिए सोने से और सोने के पहले या दिन में आप कभी भी कर सकते हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है सोने से पहले बट सोने से पहले करोगे तो और उसका एक अपना ही एक फायदा है. बट जब मुझे गुस्सा आया है उस मोमेंट में है गुस्सा तब आपको रिवर्स गिनती है विद द स्ट्रेस बॉल टू वो जो पांच थे 5 4 3 2 1 सेंसेस पे ग्राउंडिंग टेक्निक. हाँ सो वो टेक्निक्स किस लिए है जब मुझे गुस्सा आता है मतलब इमीडिएट अभी में. बट दिस टेक्निक जो अभी मैंने आपको बताई है ये उसके लिए नहीं है कि मुझे जिस वक्त आया है गुस्सा उस वक्त ये बिल्कुल ना करे उसका बिल्कुल फायदा नहीं होगा आपके लिए. इनफैक्ट आप मन से उनको और गाली गलौज करोगे कि तुम जाओ मेरे जिंदगी से ये होगा तो उसका कुछ परिणाम ही नहीं होगा उस होपोनोपो का. इसलिए होपोनोपो को आप अपने तरीके से करिए एक अपने हीलिंग के लिए अपने समय में जब भी कर पाओ वैसे करिए इस टेक्निक को. थैंक यू. ठीक है वेलकम वेलकम. थैंक यू जयंती जी. मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंसारी हबीबा जी के तरफ से. हबीबा जी प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करें. हेलो आवाज आ रही है. हाँ जी हाँ जी आ रही है. हेलो गुड आफ्टरनून मैडम. आपकी बातें सुन के मुझे इतना इफेक्ट हुआ है कि मैं बता नहीं सकती. ऐसा था कि एक महीने से सुन रही हूँ और सोच रही हूँ मैं 10 साल से अपनी सिस्टर से बात नहीं कर रही थी तो मेरे मन में एक गठरी बन गई थी. आ रहा है सुनाई दे रहा है. मैंने सोचा ये तो आज तक मुझे किसी ने बताया नहीं किस तरह से इसको खोलना है किस तरह से इसको हटाना है. तो मैंने आपके सुनते सुनते मेरा ऐसा एक दिन हुआ कि मैं पहले लिख लूं पूरी सारी बातें उसकी पहले उसके पूरी बातें लिख ली मैंने और लिखने के बाद उसको फाड़ दिया. फाड़ने के बाद मेरा मन एकदम शांत हो गया और 10 साल की बातें थी ये 10 साल 2010 की बात के 20 में आ गई मैं अभी और वो छोटी सिस्टर है लेकिन इतने इतना इफेक्ट हुआ कि इतने छोटी हो गए मुझे.
थी ना मेरे अंदर, तो अब मैं सही में सुनते रहूंगी तो आपसे तो बहुत ही इंस्पायर होके बहुत सारी मेरी मतलब अंदर से जो चीजें हैं सब निकल जाएंगी, है ना। और शायद इसीलिए मुझे कैंसर भी आया और फिर चला गया और हम उसे स्वस्थ भी हो गए ये सब संजीवनी की बातों से सुन सुनकर। मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू फॉर यू आंसर। ब्यूटीफुल मैसेज आपने दिया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर मैसेज है, बहुत अच्छा है। मैं ऐसे सबको कहती हूँ कि अगर किसी से कुछ भी दो दिन का भी मनमुटाव होता है ना, तो दो दिन का इंतजार क्यों करने का, झट से बोल लेने का, ताकि वो आगे फैले ही नहीं, बाद में बढ़े ही नहीं ना। लेकिन मेरे 10 साल हो गए, मैं आज 2 महीने से सोच रही हूँ जब से आपका सेशन देख रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कब इस तरह से अपना बताऊं कि मैं अपना सारा भूल जाऊं मैं वो सारी बातें, क्योंकि छोटी सिस्टर है, डियर सिस्टर है, कहीं ना कहीं मुलाकात होती है, कभी गैदरिंग होती है, लेकिन फिर तो एक दूसरे से बात नहीं होती है, फोन पे कभी बात नहीं हुई 10 साल से। मैंने पहल कर दिया, पहले ही मैंने बल दिया कि वो भी, इसको तो ये नहीं मालूम है कि इस तरह से क्या होता है माइंड में, है ना, उसने तो कभी देखा नहीं आपका सेशन इस तरह से, तो मैंने सोचा मैं ही पहले कर दूं, हो सकता है मेरी गठिया खुल जाए और मैं स्वस्थ रहूं और अच्छे से, ठीक है। फैंटास्टिक, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू आपका फीडबैक आपने शेयर किया। और मेरे ख्याल से कितने सारे लोग जो आपको सुन रहे हैं इस समय, वो अपने अपने लिए इसमें से काफी चीजें ले पाएंगे कि हम जब दूसरे को माफ करते हैं वो हम उनके लिए नहीं, हमें अपने आप के लिए हमारे लिए करना है, सच में जी, बहुत अच्छा लगा, फैंटास्टिक, थैंक यू, थैंक यू, आप आते रहिए, हम सुनते रहेंगे और अप्लाई भी करते रहेंगे जब तक कुछ इफेक्ट होगा, है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो अप्लाई करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, है ना, ठीक है, थैंक यू अभिभा जी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू अभिभा जी। मैम का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं डॉक्टर अरुण के तरफ से, डॉक्टर अरुण प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। यस हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम, गुड आफ्टरनून डॉक्टर अरुण जी, कहिए मैडम। द वर्ड्स आई मीन द फ्यू सेंटेंसेस दैट यू जस्ट थॉट अस, यू नो दे साउंड सिंपल इन वर्ड्स बट आई एम श्योर दे वर्क वंडर्स मैडम। फॉर द पास्ट 10 डेज आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस जर्नलिज्म, आई मीन या 2 मिनट्स अगो आई जस्ट हैड अ डाउट बट आई जस्ट वांटेड टू नो, आई मीन व्हाट इफ ईगो कम्स इन बिटवीन, ओके, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग वनसेल्फ अदर्स और इन एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, how yes. does this work really work? But then I got the answer. I mean, I had a question, I had this query in my mind, but now I got the answer, because for the past 1 week I have been practicing this journaling, okay, and right, every morning yeah, around 9 to 10 I write for about 15 minutes and then I burn those papers into ashes, you know, before I go sleep I burn them into ashes. Superb. So now that I speak to that doctor, my colleague, okay, if I speak to him now, I mean, he would think like, I mean, this guy has a lot of ego and all. I mean, is he making fun of me or something kind of, you know? So, yes, tomorrow being Sunday, I'll just call him up. I'll try to use these words, okay, these 4 sentences. But in a way that I right. could, you know, present it in a way. Yes. Otherwise, it could yes. go other way around. It could boomerang. Right. Yes. Right. I'll think about it this evening. Right. Tomorrow, I'll try yes. to use these 4 words. It's really wonderful, madam. Really wonderful. Thank you. Thank so, you so much. My pleasure to have you, madam. Thank you so much. Thank you so much, doctor. Thank you, madam. Thank you. I got the answer. Thank you. Thank you so much, Arunji. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for the wonderful. Welcome, Gausia. In fact, खत्म करने से पहले मैं एक चीज एक बात बताना चाहूंगी। गौसिया जी को मैंने आज एक गाना कहा था लगाने के लिए, रॉय मूवी का है, सूरज डूबा है, ये मेरा हमेशा से फेवरेट गाना रहा है और मैं इसको कहती हूँ कि ये मेरा एंथम है। इसका एक कारण है, अगर आप अपने अपने जब भी आपको समय मिले ना, इस गाने के ना लिरिक्स अच्छे से सुनिएगा, शब्द सुनिएगा, ये एक गाना ऐसा है ना जो आपको कहता है कि रो थोड़ा मतलब ही बनना जरूरी है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब लोग कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं था पूरे दिन में लिखने का, क्यों नहीं था,
अपने लिए समय निकालो, सबके लिए कुछ कुछ कर रहे हो, खाना बना रहे हो, ये काम कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, काम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, सब फैमिली के लिए कर रहे हो, अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना सीखिए, थोड़ा मतलब ही बनिए, बहुत इम्पोर्टेंट है आज के दिन में। तो हम जो जो आपको देते हैं यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, जरूरी नहीं है कि ये करने के बाद लोग बदलेंगे, वो मुझे नहीं पता, गारंटी मैं नहीं देती हूँ, पर आप जरूर बदल पाओगे। तो थोड़ा सा मतलब ही बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो गाना सुनिए, जब जब मूड ऑफ हो ना वो गाना जरूर सुनिएगा, अच्छा फील होता है एकदम से। ठीक है गौसिया जी, जी अच्छे मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। होपो नोपो नो हम करेंगे। श्योर यस। सुदीप जी गाने का नाम है सूरज डूबा है यारो, उसके लाइन कुछ ऐसे हैं, मतलब ही हो जा जरा तो मतलब ही, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। तो ये उस लाइन की मैम बात कर रही थी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन। आपको तो सुन के हमें अलग ही सा मजा आता है और बहुत कुछ सीखने भी मिल जाता है के साथ साथ। ये कहना गलत नहीं होगा कि आपको सुनने के लिए खास करके लोग देर तक ऑनलाइन रहते हैं। हर एक बात मैम की हर एक बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आज आप हमें ज्वाइन किए, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को वो सुन के, आप जब आपको फायदा हुआ है ये जान के, प्लीज इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। परेशानी हर किसी की जिंदगी में आती है, लेकिन हमें उस परेशानी से लड़ना है और उस परेशानी से आगे बढ़ना है। सो मच, थैंक यू सो मच, आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, आसपास खुशी बना के रखिए। मंडे हम फिर मिलेंगे 11:15 पे, नया कुछ सीखने के लिए, आपको नया कुछ सिखाने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।